हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सबको पता है जेईई मेन 1 का रिजल्ट 2024 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। और इस रिजल्ट में शॉकिंग क्या है कि एक शिफ्ट था 27th को, उसमें 240 पे 99% आए हैं और एक शिफ्ट है उसमें 140 पे 99% आए हैं। यानी इन दोनों में जो मार्क्स का डिफरेंस है वो लगभग 80 और 80+ मार्क्स का डिफरेंस है। अब समझ में जो बात नहीं आ रही वो ये है कि जिन बच्चों ने इस शिफ्ट में एग्जाम लिखा था, आप उस शिफ्ट में वही क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ लिया आपने, और आप इस शिफ्ट को कह रहे हो कि ये इजीएस्ट शिफ्ट है। इसका मतलब क्या है कि उन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी थी या उन बच्चों को टफ क्वेश्चन नहीं आता था? आता तो उन बच्चों को भी था, पूछा आपने इजी है, मार्क्स बच्चों ने स्कोर किया। चलो आप इस शिफ्ट में आते हैं, इस शिफ्ट में आपने हमने मान लिया कि शिफ्ट में आपने बहुत टफ क्वेश्चन पूछे हैं, बट इतने मार्क्स का डिफरेंस कैसे आ गया कि आप 80+ मार्क्स पे आप 99% का जो डिफरेंस रख रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, परसेंटाइल सिस्टम जो आपने रखा वो हमने इसलिए रखा कि बच्चों को एकदम से मार्क्स ना पता चले, और सुसाइड को रोकने का जो एक NTA का प्लान था कि इन चीज़ों से थोड़ा सा बच्चों को टेंशन नहीं होगी कि चलो मेरे इतने मार्क्स हैं, ऐसे है, हमने परसेंटाइल दिखाया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिन बच्चों के 140+ मार्क्स में अपने 99% दिए हैं उन बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वही बात हो गई, जिस चीज से हमने निकलने की कोशिश करी आप वहीं पे पहुंचा दिया आपने। आप सोचो कि जितने बच्चों के इस शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे अभी वो किस प्रॉब्लम से निकल रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 140 नंबर के आसपास, अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मार्क्स 140+ यहाँ है, 140+ के आसपास अगर इस शिफ्ट में किसी स्टूडेंट ने स्कोर किया होगा तो उसका परसेंटाइल 93 से 94 के बीच में आएगा। इसी मार्क्स पे आप इस शिफ्ट में 93 टू 94 दे रहे हैं और इस शिफ्ट में आप 99 दे रहे हैं, तो NTA वालों आपको इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप या तो थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा रखें कि हाँ भाई हमारा शिफ्ट टफ था तो कैसे, ईजी था तो कैसे। अब एक चीज और हमें समझना है, ये जो सबसे पहली बात है, ये जो चीज हम आपको दिखा रहे हैं बेस्ड ऑन स्टूडेंट डेटा है, फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है आप एग्जाम्स टफ लो किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में आप एग्जाम इजी लो। स्टूडेंट्स, मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने हमारे से पढ़ा मैं उन सबको यही बात कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों ने फिर भी अच्छा स्कोर किया हुआ और हम ऐसा करते रहेंगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप अभी जेईई मेन 2 की तैयारी करें, यहाँ आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी आप अपने बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिलहाल आपको इसको छोड़ के अपने बोर्ड पे फोकस करना है। आप बोर्ड पे बने रहें, बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे से दें, फिर जेईई मेन 2 में आप और अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम दें। और इतना याद रखें कि जब आपको शिफ्ट में क्वेश्चंस इजी लगे तब आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमें पेपर जब लगता है कि ये पेपर में ये क्वेश्चंस बड़े आसान है, 40 क्वेश्चंस कर लिया, 50 क्वेश्चंस कर लिया, तो हमें लगता है कि चलो यार और क्यों कर रहे हैं, इतने मार्क्स बहुत हैं। बट अगर आपने 50 क्वेश्चन इजीली कर लिया हुआ तो डेफिनेटली वो शिफ्ट आपका इजी वाला है, आपको उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करना है, नहीं तो जेईई मेन 2 में भी आपको ये चीज देखने को मिल सकता है। अब आप समझिए कि कई बार आप किसी शिफ्ट को दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखा आपको वो भी टफ लगा, दूसरा देखा आपके लिए वो भी टफ है, तीसरा क्वेश्चन देखा वो भी टफ है, फिजिक्स से आप केमिस्ट्री पे गए, केमिस्ट्री से आप मैथ्स पे गए और कॉन्टिन्यूसली आप ये चीज देख रहे हो, तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आओ आपको ये चीज समझ लेना है कि ये मेरा शिफ्ट टफ जा रहा तो मुझे कम से कम नेगेटिव करना है और कम से कम अटेम्प्ट लेना है। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने एग्जामिनेशन पीरियड में ही ये बात समझनी होगी कि जिस शिफ्ट में मैं बैठा हूँ उसमें क्वेश्चंस किस लेवल का जा रहा, क्योंकि आपने जेईई मेंस की प्रिपरेशन करी है तो आपको पता है कि किस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और किस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा आसान है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जेईई मेंस 1 को छोड़ो, बोर्ड प्रिपरेशन पे ध्यान दो, यही आपके लिए बेहतर है। और अगर आपका बोर्ड का एग्जाम अच्छे से होगा तो आप जेईई मेन 2 भी अच्छे से कर लोगे। फिलहाल आपको मोटिवेशन की जरूरत है और वो मोटिवेशन यही है कि हमें फिलहाल सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उसमें अपना पूरा पूरा डिटेल फिल करो ताकि मेरे पास जो स्टूडेंट का डेटा है वो और ज्यादा है, ताकि और क्लैरिटी आए हमारे पास और इस चीज के ऊपर हम और ज्यादा समझ सकें, क्योंकि यूनिटरी मेथड लगा के बहुत जल्द किसी चीज को समझना
उतना अच्छा नहीं है अभी डेटा, जितना भी है उस बेसिस पे मैंने आपको बताया, और डेटा मेरे पास आएगा तो क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि ज्यादा से ज्यादा आप डिस्क्रिप्शन का लिंक है आप वहां जाएं और अपना डिटेल फिल करें, फिर देखते हैं कि और आगे इसमें क्या बन सकता है।